लोकसभा चुनाव के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर माहौल बनाने की शुरुआत हो चुकी है। खास तौर पर इस वजह से क्योंकि इस बार केंद्र में मोदी सरकार 2014 से भी बड़ी जीत के साथ लौटी है। श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के 81वें जन्मोत्सव पर विराट संत सम्मेलन का आयोजन किया गया है। दोपहर 3 बजे मणि रामदास छावनी में सम्मेलन की शुरुआत होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य संत सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वीएचपी और आरएसएस के लोग भी संत सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में संत राम मंदिर निर्माण के लिए नई रणनीति तय करेंगे ताकि उसके मुताबिक मोदी सरकार पर दबाव बनाया जाए। इस कार्यक्रम में सम्मेलन में भाग लेने के लिए आ रहे हैं तमाम आ चुके हैं और सब अपना विचार व्यक्त करेंगे, राष्ट्र की चर्चा करेंगे, जन्मभूमि की चर्चा करेंगे। दरअसल अयोध्या में इन दिनों श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के 81वें जन्मोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 जून को अयोध्या आकर जन्मोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। आज न्यास अध्यक्ष का जन्मोत्सव है और वो अपना जन्मोत्सव संतों के बीच राम मंदिर की चर्चा को लेकर मना रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी संत सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे और संतों का आशीर्वाद लेंगे और साथ ही अयोध्या में आकर वो अयोध्या के संत महंतों के बीच मंच पर अपना उद्बोधन भी देंगे। इस बीच अयोध्या में भगवान राम की प्रतिमा का निर्माण करने के लिए सरयू के आसपास बसे 200 घरों के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी हो चुकी है। योगी सरकार ने अयोध्या में भगवान राम की 221 मीटर ऊंची प्रतिमा के निर्माण का ऐलान किया था।